सुनील नारायण को तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। सुनील नारायण को जो है राशिद खान ने 4 मैच में 2 बार, श्रेयस अय्यर को राशिद खान ने 10 मैच में 2 बार, रिंकू हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 63 की, जो कि खेले जाने वाला है जीटी वर्सेस केकेआर के बीच में। केकेआर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं अगर जीटी की बात करें तो जीटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैच है अगर ये क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये जो मैच है वो खेला जाने वाला है अहमदाबाद के स्टेडियम में, और अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो लास्ट के मैचेस में देखा गया है कि एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पे होता है, और लास्ट का मैच जो है उसमें सुमन गिल और साई सुदर्शन ने बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, और उसके जो है दम पे इन्होंने ये अपना मैच जीत लिया था। बात करेंगे कि ये इस ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट है उसके हिसाब से किस टाइप का ड्रीम टीम बनता है, लेकिन उसके पहले आप जो है अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं कि ड्रीम टीम बनाते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो जाइए फटाफट इस जो है वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपको कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल वो गलती नहीं करनी है, और 99.9% लोग जो है ये गलती करते हैं। और सेम मैं भी जब बिगनर्स था, जब मुझे नहीं पता था कि ड्रीम इलेवन या किसी भी फैंटेसी ऐप में कैसे टीम बनाते हैं, तो नॉर्मली मैं भी वही जो है सेम टाइप की गलती करता था। तो जाइए फटाफट जो है इस वीडियो को देख लीजिए, इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो खेली गई टीमें हैं, जो मैचेस हैं, उनमें ड्रीम टीम का पार्ट कौन कौन से प्लेयर बने हुए हैं, तो आपको एक क्लियर ऑफ थॉट्स मिल जाएगा कि किस प्लेयर को आपको लेके चलना है और किस प्लेयर को आपको ड्रॉप करके चलना है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला मैच मैं बोल रहा हूँ, जो लास्ट का मैच हुआ था, वहाँ पर ड्रीम टीम का पार्ट जो कि देखिए, यहाँ पे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है जीटी के ड्रीम टीम का पार्ट बने हुए हैं। डेविड मिलर जो है इस दिन 1 डाउन आए थे, है ना। तो आप देखिए, सुमन गिल, साई सुदर्शन और डेविड मिलर, ये टॉप 3 के जो है बल्लेबाज थे, और इन दोनों ने तो मतलब रन बनाते ही इतना रन बनाया कि दोनों ने ही सेंचुरी मारी अपनी अपनी, ठीक है। तो मोस्टली आप हर एक टीम में देखेंगे कि यहाँ पर वही प्लेयर हैं जो ओपनिंग करते हो या 1 डाउन हो, मतलब बेसिकली टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही कैप्टन या वाइस कैप्टन बने हुए होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द मैचेस में। यहाँ पे भी देखिए आप, साई सुदर्शन एक जो है टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। विल जैक यहाँ पे भी नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। अगर हम बात करें इस वाले मैच की, तो ये वाले मैच में, चूंकि ये मैच जो है रेड सॉइल पे हुआ था, तो इस रेड सॉइल पे देखिए मुकेश कुमार जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन बने हैं, और राशिद खान जो है वाइस कैप्टन बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो है कुछ और मैचेस की, तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ही आपको हमेशा इस ग्राउंड पे दिखेंगे जो यहाँ पे रन बनाते हुए नज़र आए। बेसिकली यहाँ पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही जो है ड्रीम टीम का पार्ट बनते हैं, और वही कैप्टन या वाइस कैप्टन का भी पार्ट बने हुए हैं। अगर मान लीजिए कि जो पिच है वो रेड सॉइल पे अगर मैच होता है, तो वो मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा कि ये जो मैच है वो किसी डिफरेंट पिच पे खेला जा रहा है, वहाँ पे जो है बॉलर्स चलेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ब्राउन पिच पे हो रहा है, तो ब्राउन पिच पे तो नॉर्मली बैट्समैन ही चलते हैं। सरफेस में बता दूंगा कि किस टाइप का सरफेस है और वहाँ पे कैसे कैसे बल्लेबाज चलते हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सलेक्शन परसेंटेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 30% से नीचे 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आपके ड्रीम टीम में हो, ठीक है। बेसिकली मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स को लेके ड्रीम टीम नहीं बना सकते, ठीक है। आप इस टीम में देखिए, ये है केकेआर वर्सेस एमआई का मैच, और इस केकेआर वर्सेस एमआई के मैच में भी आप देखिए, नीतीश राणा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे, रिंकू सिंह का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे, और जो है कमनजोत का भी सिलेक्शन परसेंटेज
परसेंटेज 30% से नीचे, अय्यर का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे। बेसिकली यहाँ पे आपको चार प्लेयर ऐसे दिख गए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से नीचे है। वहीं अगर इस टीम की बात करें तो इस टीम में भी आपको जो है 3 से 4 प्लेयर दिख जाएंगे, जैसे मोहित शर्मा हो गए और यहाँ पे डैरिल मिचेल हो गए, इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे था। यानी 2 खिलाड़ी आपको यहाँ से मिल गए। और अगर इस टीम की बात करें तो यहाँ पे देखिए रैली रूसो थे, ठीक है, उसके बाद जो है आपके लॉकी फर्गीसन थे, उसके बाद जो है आपके करण शर्मा थे, उसके बाद आपके यहाँ पे और कोई नहीं था। यानी यहाँ पे भी 3 खिलाड़ी ऐसे दिख गए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ड्रीम टीम बना रहे हैं, 11 प्लेयर्स की टीम बना रहे हैं, तो उसमें से 3 से 4 खिलाड़ी आपको जो है एक सिलेक्शन परसेंटेज जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से नीचे है, उनको आपको अपनी टीम में लेके चलना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। तो पिच रिपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने वाला हूं, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, वो प्लेयर के स्टैट्स क्या होंगे, प्लेयर बैटल क्या होगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार कौन होंगे, फिक्स प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर जो है कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, और सिलेक्शन परसेंटेज के थ्रू कैसे आपको टीम बनानी है, ये सब कुछ जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का जो है बेसिक सा स्टेप है, इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखेगा, मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ज्वाइन का बटन है, सिंपली जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो बेसिकली जो यहाँ की पिच रिपोर्ट है वो अभी तक ग्राउंड पर बताया गया है कि ये बैटिंग पिच रिपोर्ट है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा, कल बारिश का कोई चांस ही नहीं है। अगर वहीं बात करें स्टैट्स की इस ग्राउंड के, तो 32 मैच अभी तक खेले गए हैं T20 IPL के मैच, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 मैच जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 17 मैच जीती हुई है। वहीं अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 8 बार रन बना है, 150 से लेके 169 के बीच में 8 बार रन बना है, 169 से 189 के बीच में 8 बार रन बना है, 190 से अबव जो है 8 बार रन बन चुका है। वहीं एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ से 160 से लेके 180 रन का एवरेज स्कोर होगा, हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 233 रन बना हुआ है, और लोवेस्ट टोटल की बात करें तो 89 रन 10 विकेट के नुकसान पे है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रन कितना बनेगा, तो बेसिकली आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे रन 170 प्लस बनने वाला है कल के मैच के लिए, ठीक है। और चाहे जो भी टीम खेले यहाँ पे, और अगर यहाँ पे सबसे पहले GT खेलती है तो GT अगर खेलेगी तो यहाँ पे और ज़्यादा रन का उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, इस यहीं पे जो है ये पिच की बैटिंग करते हैं, प्रैक्टिस बैटिंग करते हैं और प्रैक्टिस सेशन यहीं पे करते हैं, तो इनका जो है इनको पता है कि होम एडवांटेज कैसे लेना है। अब वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे खेले गए थोड़े से कुछ मैचेस की, जो रिसेंट के मैच हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर ऑफ थॉट्स मिल जाएगा कि कितना किस टाइप की स्ट्रेटजी आपको बना के चलनी है। तो बेसिकली अगर आप इन चार मैचेस की तुलना करेंगे आपस में, तो केवल एक मैच छोड़ के जो जिसमें GT का कोलैप्स हुआ था, उस सारे मैच में लगभग GT पहले बल्लेबाजी की और एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया, यहाँ पे 231 रन स्कोर है, और CSK जो है लगभग पीछा करी ली थी, 196 रन बना है। यहाँ पे GT 200 रन स्कोर है और यहाँ पे RCB ने एक विकेट खोके उसको पा लिया है। यहाँ पे GT 199 रन स्कोर है और पंजाब जो है 7 विकेट के नुकसान पे उसको जीत गई। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो है ग्राउंड, इस ग्राउंड पे चेज होता है, और चेज अगर होगा तो 200 या 210 के आसपास अगर रन बनेगा तो वो चेज हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। पेसर की बात करें यहाँ पे, तो 24 विकेट पेसरों ने लिया है और 13 विकेट स्पिनरों ने लिया है अभी तक। तो किस टाइप के पेसर और किस टाइप के स्पिनर को विकेट मिलता है, उसके लिए आप जो है ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट है और सेकेंड इनिंग में 22 विकेट है। वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 24 विकेट और जो है सेकेंड इनिंग में 22 विकेट है। राइट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 93 विकेट है, सेकेंड इनिंग में 97 विकेट, और राइट आर्म स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट और सेकेंड इनिंग में 36 विकेट देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हेड टू हेड मुकाबले की इन दोनों टीमों के बीच में। अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 2 मुकाबले जो है GT जीती है और KKR जो है अपना 1 मुकाबला जीती हुई है। तो GT को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो प्ले ऑफ में अपना जगह बनाना चाहेगी, तो सबसे पहले तो जो है ये मैच जीते तभी जो है प्ले ऑफ में जगह इनकी बरकरार रहेगी, अदरवाइज इनको प्ले ऑफ से बाहर जाना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं जीटी के पॉसिबल प्लेइंग 11 के। तो साई सुदर्शन और सुमन गिल आए थे लास्ट के मैच में ओपनिंग करने के लिए। मैथ्यू वेट, शाहरुख खान, डेविड मिलर, तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, कार्तिक त्यागी, नूर अहमद और जो है मोहित शर्मा, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है। बाकी कोई भी चेंज होगा पॉसिबल प्लेइंग 11 में तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग और डेथ ओवर की। तो स्टार्टिंग ओवर में आते हैं उमेश यादव फेंकने के लिए। पहला, तीसरा और पांचवा ओवर संदीप वॉरियर फेंकते हैं, दूसरा और चौथा ओवर कार्तिक त्यागी फेंकते हैं, छठा ओवर और लास्ट के मैच में कार्तिक त्यागी को डेब्यू कराया गया था। वहीं डेथ ओवर की बात करें तो कार्तिक त्यागी फेंकते हैं 16वां ओवर, मोहित शर्मा फेंकते हैं 17वां, 19वां ओवर राशिद खान फेंकते हैं 18वां और 20वां ओवर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी अगर डेथ ओवर में निकल के कोई आता है तो वो है आपके कल के मैच के लिए भी मोहित शर्मा, क्योंकि मोहित शर्मा एज ए विकेट टेकर गेंदबाज बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल डाल चुके हैं जीटी के विनिंग परसेंटेज पे। अगर ये चलते हैं तो जीटी विन करती है, अदरवाइज ये है जीटी फ्लॉप हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बैटिंग ऑर्डर की। तो साई सुदर्शन 95% सिलेक्शन रेशियो है, राज के मैच में 63 रन बनाया था, वेन्यू पे देखिए 61 का एवरेज है। जीटी मतलब जीएल में आप इनको ट्राई करिएगा, एसएल में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड में भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। सुमन गिल को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, लगातार ही आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन लास्ट मैच में जो 104 रन की बेहतरीन और ताबड़तोड़ इनिंग खेली है उसकी वजह से, इन दोनों की इनिंग की वजह से जो है जीटी जो है अपना लास्ट का मैच जीती है। तो आप जो है इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, अगर सेम पिच पे मैच हुआ तो ये फिर से जो है रन बना सकते हैं, अदरवाइज आप इनको अगर सेम टीम पे सेम पिच पे रन मैच नहीं हुआ तो आप जो है सुमन गिल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। मैथ्यू वेट की बात किया जाए तो एज अ विकेट कीपर आप मैथ्यू वेट को अपने साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। और मैथ्यू वेड अगर नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो इफेक्टिव हो सकते हैं, बट अदरवाइज जो है उधर से केकेआर की तरफ से आपके सॉल्ट हैं, जो सॉल्ट जो है वो बहुत ही नमक छिड़क रहा भाई, गजब तगड़े फॉर्म में है, ठीक है। तो आप सॉल्ट को अगर मैथ्यू वेड को ये एज्यूम करके चल रहे हो कि ये फ्लॉप होगा तो आप सॉल्ट के साथ जा सकते हैं। शाहरुख खान की बात करें तो लास्ट के मैच में 2 रन बनाया था, उसके पहले 37 रन, 15 का एवरेज है, जीएल की टीम में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। डेविड मिलर को आपको साथ लेना है, तेवतिया को आपको साथ लेके चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तेवतिया बहुत की प्लेयर बनने वाले हैं यहाँ पे कल के मैच के लिए। राशिद खान, उमेश यादव, तो राशिद खान ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था, ठीक है, उसके पहले अब इस मैच में मुझे लगता नहीं है कि राशिद खान को विकेट मिलने वाला है, तो इसलिए राशिद खान को मैं जीएल की टीम से ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। उमेश यादव को मैं अपनी टीम में लेके चलूँगा। कार्तिक त्यागू और नूर अहमद में से किसी एक को आपको अपनी टीम में रखना है। मोहित शर्मा और संदीप वॉरियर में से किसी एक को आपको अपनी टीम में रखना है। मेरी टीम में कौन होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपको इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये ज्यूम कर रहे हैं कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फेल होगा, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अगर फेल होगा केकेआर का, तो आप संदीप वॉरियर और उमेश यादव के साथ जाइएगा, ठीक है। अगर ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो है लोअर ऑर्डर जो है इनका फेल होगा या डेथ ओवर में गेंदबाजी में विकेट मिलेगा, तो उस सिचुएशन पे आपको मोहित शर्मा को अपनी टीम में रखना है और वॉरियर या उमेश यादव को आप में से किसी एक को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट सिनारियोज होते हैं जिस वक्त आपको सोचना पड़ता है कि इस सिनारियो में कौन कौन से बॉलर इफेक्टिव होते हैं और कौन कौन से बॉलर को हम लेके चल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सिनारियो नहीं सोच पाएंगे तो जीएल नहीं जीत पाएंगे, डेफिनेटली ये मेरा वादा है। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 कलकत्ता की। तो जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें है फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह और आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर कोई भी चेंजेस पॉसिबल प्लेइंग 11 में आता है तो आपको मैं टेलीग्राम पे सूचित कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग और डेथ ओवर की। तो स्टार्टिंग ओवर में आप जो है मिचेल स्टार्क पहला और तीसरा ओवर है, वैभव अरोड़ा दूसरा और चौथा ओवर है, हर्षित राणा पांचवा ओवर है और सुनील नारायण छठा ओवर है। डेथ ओवर की बात करूं मैं तो चक्रवर्ती फेंकते हैं 16वां ओवर, मिचेल स्टार्क फेंकते हैं 17वां और 19वां ओवर, हर्षित राणा फेंकते हैं 18वां ओवर और रसल फेंकते हैं आपके 20वां ओवर, ठीक है। तो डेथ ओवर में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनता है तो सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कर रही है केकेआर तो वहाँ पे आपके हर्षित राणा, ठीक है, और यहाँ पे मिचेल स्टार्क, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वहीं फर्स्ट इनिंग में जो है गेंदबाजी कर रही है तो डेथ ओवर में आप आंद्रे रसल, ठीक है, और दूसरे जो है आपके हर्षित राणा, ये दोनों इंपॉर्टेंट निकल के आ जाते हैं, या वरुण चक्रवर्ती के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाने पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फिलिप सॉल्ट की, बल्लेबाजी की तरफ से। फिलिप सॉल्ट को मुझे लगता है कि कल के मैच के लिए 50 प्लस स्कोर देने वाले हैं। सुनील नारायण को तो आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन नहीं तो एज अ बॉलर जो है आपके टीम में होंगे। ठीक है, वेंकटेश अय्यर को मैं जीएल की टीम में यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा। श्रेयस अय्यर को ट्राई करके चलने वाला हूँ, नीतीश राणा को ट्राई करके चलने वाला हूँ, रिंकू सिंह को ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो डाउन जो ऑर्डर है वो बहुत नीचे है। अगर ये देखिए 16वें 17वें ओवर में विकेट गिरता है तो रिंकू सिंह 16वें 17वें ओवर में विकेट गिरता है तो रिंकू सिंह आते नहीं है। ठीक है, उनकी जगह रसल को भेज दिया जाता है। और अगर 12वें 13वें ओवर में विकेट गिरता है तो रिंकू सिंह चलते नहीं है। समस्या बहुत जटिल हो गई है इस बार रिंकू सिंह को। मतलब आप क्लियरली ये डेटा देखिए ना, 20 16 9 11 15 24 20, और ये इसमें क्या आपको पॉइंट देके चले जाएंगे। तो इसलिए आप जो है जीएल की टीम से आप इनको डिस्कार्ड करके चलिएगा। रसल को लेंगे, अगर इनकी बैटिंग नहीं आती है तो एज ए बॉलर जो है ये इम्पैक्ट डाल देते हैं। रमनदीप सिंह को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा। तो मिचेल स्टार्क को मैं आज अपनी टीम में जीएल की टीम में ट्राई करूँगा, वैभव अरोड़ा का ट्राई नहीं करने वाला हूँ। अगर ये केकेआर पहले गेंदबाजी करेगी ना तो बिल्कुल मत ट्राई करिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वैभव अरोड़ा जो है स्विंग कराने में माहिर हैं और स्विंग के लिए ही जाने जाते हैं, स्विंग से ही इनको विकेट मिलता है। अगर स्विंग नहीं मिला तो इनको विकेट नहीं मिलता है, नॉर्मली ये देखा गया है। हर्षित राणा की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखिए 3-2 3-5-0 ऐसा है, तो जीएल की टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो आप इनको भी इनके साथ भी जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेयर बैटल की। तो सुगमन गिल को स्टार्क ने 3 मैच में 4 बार आउट किया हुआ है, वो भी ओडीआई में। ठीक है, मैथ्यू वेड को आंद्रे रसल ने 4 मैच में 3 बार आउट किया है, वो भी जो है T20 में। डेविड मिलर की बात करें तो रसल ने 10 मैच में 3 बार आउट किया। राहुल तेवतिया की बात करें तो रसल ने 10 मैच में 3 बार और चक्रवर्ती ने इनको 4 मैच में 2 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कलकत्ता के प्लेयर बैटल्स की। तो यहाँ पे देखिए फिलिप सॉल्ट को राशिद खान ने 1 मैच में 1 बार आउट किया है। सुनील नारायण को जो है राशिद खान ने 4 मैच में 2 बार, श्रेयस अय्यर को राशिद खान ने 10 मैच में 2 बार, रिंकू सिंह को नूर अहमद ने 1 मैच में 1 बार और रसल को कार्तिक त्यागी ने 1 मैच में 1 बार और राशिद खान ने 10 मैच में 4 बार आउट किया। तो ये कुछ प्लेयर बैटल हैं और इतने अच्छे प्लेयर बैटल दिख नहीं रहे हैं कि जो है किसी दूसरे बल्लेबाज को ये ज़्यादा दिक्कत पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये प्लेयर बैटल के अकॉर्डिंग आप जो है प्लेयर्स को ड्रॉप और पिक भी कर सकते हैं। अगर आपको जो प्लेयर अच्छा लग रहा हो, जिसको ये लग रहा हो कि ये इसको आउट कर देगा, तो एज अ बॉलर ले लीजिए उसको। ठीक है, और बैट्समैन को ड्रॉप करके चलिएगा। बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से ऑप्शंस बेस्ट होंगे कल कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। तो मुझे लगता है साई सुदर्शन होंगे जो बेस्ट ऑप्शन होंगे यहाँ से, जो है आपके डेविड मैथ्यू वेड भी हो सकते हैं, डेविड मिलर भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम इस टीम की बात करें तो फिलिप सॉल्ट हो सकते हैं आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए दावेदार, सुनील नारायण हो सकते हैं, आंद्रे रसल हो सकते हैं और श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं एक अच्छी इनिंग अगर खेले तो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। अब वहीं अगर हम बात करें आपके ट्रंप प्लेयर और फिक्स प्लेयर्स की, तो ट्रंप प्लेयर में जो है मैथ्यू वेड, रिंकू सिंह और नीतीश राणा। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन से नूर अहमद, उमेश कुमार और जो है त्यागी, इसमें से आपको 2 प्लेयर ले लीजिएगा। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड हो जाते हैं और नीतीश राणा हो जाते हैं। वहीं फिक्स प्लेयर की बात करें तो फिलिप सॉल्ट हो जाते हैं, स्वाई सुदर्शन, सुमन गिल, रसल, नारायणे और चक्रवर्ती, यहाँ से जो है फिक्स प्लेयर तो ये तो फिक्स ही रहेंगे सबकी ही टीम में, मतलब मोस्ट ऑफ द टीम में ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। आइए हम बताता हूँ मैं कि सिलेक्शन परसेंटेज का आपको कैसे ध्यान देना है। तो सिलेक्शन परसेंटेज में 24 प्लेयर हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ से इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए 24 प्लेयर्स को। फर्स्ट वाले पार्ट में उन प्लेयर्स को रखिएगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ऊपर है, सेकेंड वाले पार्ट में उन प्लेयर्स को रखिएगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से नीचे और 30% से ऊपर है। यहाँ पे उनको रखना है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से नीचे है। ठीक है, अब इसमें से आपको लेना है 4 प्लेयर, यहाँ से लेना है 4 प्लेयर और यहाँ से लेना है 3 प्लेयर, या फिर अगर यहाँ से ले रहे हैं आप 4 प्लेयर, ठीक है, तो यहाँ से लीजिएगा 3 प्लेयर और यहाँ से लीजिएगा 4 प्लेयर। इस तरीके का कॉम्बिनेशंस के साथ जो है आपको अपनी टीम को बनाना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट करिएगा कॉमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।